हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपू, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए BS6 का डीजल ऑटो है, पियाजू टेम्पो। तो फ्रेंड्स, इसका प्रॉब्लम है कि गाड़ी चलते चलते बंद पड़ रही थी। 1 किलोमीटर चलने के बाद में इंजन पूरा ओवर हीट हो जा रहा था। उसी को चलिए सीखते हैं, समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए रेडिएटर का फैन मोटर है, और ये फैन मोटर का बोल्ट जो है सो कि चलते चलते खुल गया था। खुलने की वजह से फैन घूमने के बजाय ये आपका पूरा मोटर असेंबल घूम रहा है। घूमने की वजह से इसका वायर को पूरा लपेट लिया है, और लपेटने की वजह से पूरा वायर जो है सो कट गया है, पूरा शॉर्ट हो गया है। और शॉर्ट होने की वजह से इंजन में क्या आपका प्रॉब्लम होगा, क्या परेशानी होगी, वीडियो में आप बने रहें, सारे डिटेल्स के साथ समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वायर अगर आपका शॉर्ट हो जाता है, तो पहला तो आपका रिले ख़राब करेगा, दूसरे में इंजन जो है सो कि आपका हीटिंग इशू आ जाएगा, बार बार टेम्परेचर मीटर सिग्नल शो करेगा, आपका गाड़ी नहीं खिल के चलेगा, मिसफायर इंजन करेगा, मतलब इंजन के अंदर में और भी सेंसर जो काम है करना बंद हो जाता है, क्योंकि ये सेंसर दूसरे सेंसर को सिग्नल भेजेगा, दूसरे सेंसर तीसरे सिग्नल को सेंसर भेजेगा, सेंसर को सिग्नल भेजेगा। तो इसमें सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सेंसर। अगर एक सेंसर अगर कोई डाउट कहीं डिस्टर्ब होता है, तो इसके वजह से दूसरा सेंसर भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके वजह से आपका इंजन सुचारू रूप से इंजन काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा होने से पहले आप इंजन को अच्छी तरह से देख लें, नट बोल्ट को अच्छी तरह से चेक कर लें, तभी आप गाड़ी को बाहर निकालें। और फैन का बोल्ट हो या इंजन का कोई भी नट बोल्ट हो, थोड़ा अच्छी तरह से टाइट हम सब करें, ताकि ऐसा नुकसान ना हो, बोल्ट खुले ना जिससे मोटर नुकसान हो जाए या कोई और भी पार्ट्स नुकसान हो। तो फ्रेंड देखिए, मोटर का मैंने पीछे का कवर पूरा बाहर निकाल लिया है। वायर को अच्छी तरह से इसको बैंडेज करेंगे। बैंडेज करने के बाद इसे हम फिट करेंगे। फिट करके 2 बोल्ट लगा दिया है। बोल्ट लगाने के बाद वायरिंग को हम अच्छी तरह से सेव कर दिया है। सेव करने के बाद इस फैन को हम लगा देंगे। लगाने के बाद चलिए फ्रेंड्स, इस कनेक्टर को हम लगा देते हैं। और एक कनेक्टर लगाने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा केयर करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पार्ट्स है, तो थोड़ा अगर एक सेंसर वीक कर होगा तो दूसरा सेंसर को भी प्रॉब्लम करेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, फैन मोटर के बारे में छोटी सी जानकारी थी, कैसे इसे सुरक्षित करें, कैसे सेव करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।